तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को एक बात बताने वाला हूँ कि बिना ग्राफिक कार्ड के कंप्यूटर क्या चलता है या बनाना पॉसिबल है। तो इसके बारे में जो है मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ये बात जो है मेरे को नहीं पता थी और मैं जो है कन्फ्यूज़ होता रहा कि बिना ग्राफिक कार्ड के मेरा कंप्यूटर चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये देखिए, यहाँ पास जो है ग्राफिक कार्ड लगा है और मेरे पास बजट नहीं था कि ग्राफिक कार्ड जो है मैं नया खरीदूँ। तो यहाँ पास जो है काम चलाऊ जो है मैंने यहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगाया है कि कम से कम मेरे कंप्यूटर पे जो है वो डिस्प्ले तो आए, कुछ दिखाई तो दे, ठीक है। तो इसीलिए जो मैंने ये वाला ग्राफिक कार्ड लगाया है, ये 710 है, शायद GT 710 GB का है ये ग्राफिक कार्ड। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, ये देखिए लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसी पे जो है मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इसी के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो के शुरू में जो है आप लोगों ने देखा कि मेरे कंप्यूटर में जो है मैंने एक अलग से ग्राफिक कार्ड लगाया है। इसको जो है मैंने ख़रीदा है 3-3.5 हज़ार रुपये के आसपास, और इस ग्राफिक कार्ड का नाम है GT GB का GT 710 DDR5 रैम है, 2 GB रैम है इसमें। तो ये ग्राफिक कार्ड लगाने के पीछे जो है एक कहानी है। मैं जो है ग्राफिक कार्ड में अभी पैसा नहीं लगाना चाहता रहा, मैं सोचा रहा कि थोड़ी अच्छा सा बहुत ही बड़ा वाला जो है ग्राफिक कार्ड अपने कंप्यूटर में लगाऊंगा, जिससे जो है मैं पबजी खेल सकूं। और अभी नया वाला गेम मेरे को पता चला है, साइबर पंक 2077, ठीक है, ये गेम है, तो वो भी जो है खेलने की सोच रहा था। तो ये सब सोच के जो है मैंने ये कंप्यूटर बनाया था। तो इसमें हुआ क्या कि ग्राफिक कार्ड जो है मैं बाद में लेने वाला था कुल मिलाकर ये, लेकिन दोस्तों जब मेरे पास मेरा प्रोसेसर आया, प्रोसेसर का नाम था AMD Ryzen 9 3900XT। तो मेरे को ये पता चला कि ये वाले प्रोसेसर में जो है ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है और जो है आपको नहीं मिलेगा। होता क्या है, जैसे आप देखिए इंटेल का ये वाला जो है प्रोसेसर है और इसमें लिखा हुआ है एकदम इंटेल कोर i9 1085, ये प्रोसेसर का जो है मॉडल नंबर लिखा है, ठीक है। यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे ना तो ये देखिए प्रोसेसर ग्राफिक लिखा है और इसमें जो है उसका नाम लिखा है कि ये वाला ग्राफिक जो है इस प्रोसेसर के अंदर लगा हुआ है, ठीक। तो होता क्या है कि किसी किसी प्रोसेसर में जो है ग्राफिक कार्ड नहीं लगा रहता है। मेरे को जो है तब पता चला जब प्रोसेसर मेरे घर पे आ गया, मैंने जो है कंप्यूटर पूरा बना लिया और मेरा कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा था, ठीक। तो बहुत सारी वीडियो देखने के बाद, बता रहा हूँ, बहुत ही सारी वीडियो देखने के बाद जो है मेरे को पता चला कि इसमें जो है एक चीज़ होती है कि एक होता है इंटरग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, ठीक, ये प्रोसेसर के अंदर होता है। जैसे कि इसमें इस प्रोसेसर में ग्राफिक कार्ड लगा है तो इसको क्या बोलेंगे कि इस प्रोसेसर में जो है इंटरग्रेटेड ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, ठीक। लेकिन जो है 3900XT में जो है वो ग्राफिक कार्ड नहीं लगा था, ठीक। तो इसीलिए जो है मैंने एक ग्राफिक कार्ड खरीदा और इसको जो है मैंने लगाया। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो है प्रोसेसर में ये इंटरग्रेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं लगा होता है। तो भैया जो AMD Ryzen के Ryzen 5 हो गया और Ryzen 7 हो गया, Ryzen 9 हो गया, इसमें नहीं लगा रहता। और इंटेल का जो है जिस प्रोसेसर के मॉडल नंबर के पीछे F लिखा हो उसमें जो है ग्राफिक कार्ड नहीं लगा होता है, ठीक है। और अगर आपको पता करना है कि आपके प्रोसेसर में इंटरग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है या नहीं है तो आप वेबसाइट में चले जाइएगा और यहाँ पास जाकर देखिएगा कि प्रोसेसर ग्राफिक में जो है क्या मॉडल नंबर दिया है कि नहीं दिया है। अगर यहाँ पे नो लिखा हो तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि उसमें जो है प्रोसेसर के अंदर जो है ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ है, ठीक। इस तरीके से जो है आप पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो लाइक करना और कुछ भी कहना हो कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।